भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होता है, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव, विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उससे सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पंच भूतों की उत्पत्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण स्वरूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू, भुव, स्वह अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वरलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भुवरलोक अंतरिक्ष, और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है, तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले, जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है, वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार, पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अतः
बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण महतत्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है, वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों में कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्रादि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप में इसमें व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल मायामय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए, तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।